अब शशि कुछ ही देर में गाड़ी निकलेगी, इस्तीफा देंगे, उसके बाद क्या हम माने कि मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खत्म होने के बाद ये सारे विधायक यहाँ से कूच करेंगे सीधा एनडीए की बैठक के लिए नीतीश कुमार के घर पर? बिल्कुल हो सकता है कि जो आप समय बता रही हो अंजना वही समय हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जो अंदर बातें कही हैं, एक दो बात जिसकी चर्चा करना यहाँ जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार पहली बार इतने भावुक दिखे अपने विधायकों के सामने। उन्होंने कहा कि मैंने हर वो कोशिश की जिस कोशिश के जरिए पार्टी को और जो जिस फोरम पे मैं गया था उन तमाम लोगों को लेके आगे बढ़ूं, लेकिन मेरी ही पार्टी के ऊपर संकट खड़ा करने की कोशिश की गई और मैं जनता दल यूनाइटेड की कीमत पे कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब नीतीश कुमार ये भी यहां तक कह गए एक तरह से अंजना कि अगर सरकार बने अगली या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड को बचा कर रखेंगे, जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं आने देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है अंजना, क्योंकि नीतीश कुमार को लेके हमने ये बताया था कि उनके विधायकों के अलग गुट की बैठक हुई थी, नीतीश कुमार को इसकी जानकारी मिली थी और उसी दिन ये तय हो गया था कि अब तो जो पार्टी में बदलाव हुए सो हुए, अब सरकार में भी बदलाव होंगे। आप याद करिए 2020 में जब नीतीश कुमार की पार्टी घट के आ गई 43 सीटों पे, तो चिराग पासवान पर उनकी नजर थी। चिराग पासवान की पार्टी टूटी टूटी, साथ ही साथ चिराग पासवान की वजह से बीजेपी से रिश्ते बिगड़ते चले गए और नतीजा ये हुआ कि 2022 में नीतीश कुमार चले आए अगस्त के महीने में महागठबंधन में और अब रास्ता एक बार फिर बीजेपी और एनडीए के साथ। अंजना शशि उनका रिश्ता तो देखिए समय के हिसाब से बनता बिगड़ता रहता है। कभी वजह उपेंद्र कुशवाहा बनते हैं फिर उनके साथ आ जाते हैं, कभी चिराग पासवान बनते हैं, कभी कुछ ना कुछ, जिधर वो खड़े रहते हैं वहां पर उसको जस्टिफाई वो अच्छे से कर लेते हैं, ये तो जानते हैं। कोई दूसरा रास्ता भी है क्या, क्योंकि अभी एक गाड़ी जाती हुई दिखी राजभवन में? नहीं देखिए हलचल तो है अंजना और ये रास्ता तैयार किया गया था नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार इस रास्ते से जाएंगे, चूंकि राजभवन में जाने का जो एंट्री गेट है वो वही है हमारे से ठीक 10 कदम आगे, तो ये जो रास्ता है यही है। लेकिन हाँ हलचल तो हर जगह बढ़ेगी और थोड़ी देर में हो सकता है ये पूरा इलाका समर्थकों से भी भर जाए। थोड़ी देर में जो है वो जो दूसरे पुलिस के जवान हैं, बाकी लोग हैं, डिप्लॉयमेंट है, वो और ज्यादा बढ़ाएगी। हालांकि हमारे पास ये रात में खबर आ गई थी कि 250 जवानों और अधिकारियों को यहाँ तैनात किया गया और वो तस्वीर हमने सुबह से देखी है। अब नीतीश कुमार किस वक्त अपने उस मीटिंग हॉल से निकलते हैं और कब बैठते हैं गाड़ी में उस पर हमारी नजर है। हमारे सोर्सेज जो है वो भी हमको बताएंगे कि वो गाड़ी में कब बैठ रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत दूरी नहीं है अंजना, ये पूरा गोलंबर का इलाका है, उनको पार करना है, राजभवन में जाना है, राजभवन से कब उनको हरी झंडी मिलती है कि आप आ जाइए। अभी आज स्क्रीन पर अनूठी तस्वीर सब देख रहे हैं विनोद जी, दो लाइन में आप अब जल्दी, क्योंकि आप समझ रहे हैं अभी खबर बहुत तेजी से आ रही है। ये हमने सारी तारीखें निकाल दी है, 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 2010, 26 नवंबर, 22 फरवरी 2015, और देखिए ये 15 में ही आपको वो दो बार शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, 20 नवंबर को फिर, और 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 9 अगस्त 2008 को उन्होंने रिश्ता तोड़ा था, इधर 28 जनवरी 2024 को क्या फिर, यानी क्या 9वीं बार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, एक ही विधानसभा में बार बार शपथ लेने का, लगातार शपथ लेने का, मुझे लगता है कि भारत का कोई मुख्यमंत्री उस रिकॉर्ड को शायद न तोड़ पाए। एक तो ज्योति बसु का रिकॉर्ड है कि ठीक है वो लगातार अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन नीतीश जी जिस तरह कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, वो अपने आप में एक राजनीति में शोध का विषय है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने पाला बदला है, मायावती ने 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो चुनाव के बाद बनाती रही और उनका ओपन था कि वो बीजेपी के साथ गई, और भी जनता दल एस ने कर्नाटक में 2 बार कभी बीजेपी कभी कांग्रेस साथ किया, लेकिन नीतीश जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और नीतीश जी के रिकॉर्ड तक पहुंचना भविष्य में किसी मुख्यमंत्री के लिए संभव होगा कि मुझे लगता, हाँ नीतीश जी ने रास्ता दिखा दिया है बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को कि ये भी रास्ता हो सकता है और आप सत्ता में बने रह सकते हैं अगर अपनी प्राथमिकताएं और वरीयताएं आप बदलते रहें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प है और भारतीय जनता पार्टी को मैं लौट रही हूं आपके पास, एक बार फिर से शशि के पास चलते हैं। शशि कुछ अपडेट वहां से तस्वीर दिखाइए। देखिए 9वीं बार की जब बात हो रही है तो अब तो 9 बार कहा जा सकता है जो स्थिति बन रही है। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए आप थोड़ा सा थोड़ी सी जगह बची हुई थी जहां पर बैरिकेड्स नहीं लगे थे, अब वहां बैरिकेड पहुंचा दिए गए हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं अंजना कि अंदर से जैसे ही ग्रीन सिग्नल जारी होगी मुख्यमंत्री आवास के लिए, वैसे ही नीतीश कुमार निकलेंगे। नीतीश कुमार अब अंदर बैठक खत्म हो चुकी है। एक बात और, अब नीतीश कुमार को केवल निकलना है यहाँ से और वो जाएंगे यहाँ से जो राजभवन है वहां पर राज्यपाल से मुलाकात, इस्तीफा सौंपेंगे और फिर बाकी आगे की प्रक्रिया होगी। और देखिए सुरक्षा के जो लोग हैं वो अब आग्रह कर रहे हैं कि आप थोड़ा निकल जाइए, बहुत आपने तस्वीरें दिखा दी आज तक के दर्शकों को। और चूंकि इनको भी अंदर से इंडिकेशन आया है, ये देखिए पूरा पटना एसएसपी कमान संभाल चुके हैं और जैसे ही ये होता है और उसके बाद यहाँ से ये क्लियर कराने के बाद तमाम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे सहयोगी नदीम आलम जो एक टॉप एंगल पे थे, उनको अब कहा गया है कि अब बाहर निकल जाइए और हम लोग भी अब बाहर जा रहे हैं चूंकि सुरक्षा का मामला है। और लगातार प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अब जो है वो बाहर निकल जाइए। तो अब ये समझ लीजिए किसी भी क्षण मुख्यमंत्री निकल सकते हैं, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिले वैसे ही जी किसी भी क्षण। तस्वीरें वही साइड से जहां से फ्रेम बन जाए, फ्रेम बना लीजिए अपना, किसी भी क्षण अब नीतीश कुमार आपको यहां से राजभवन जाते हुए दिखाई देंगे, वो इस्तीफा सौंपने वाले हैं। और मैं तो कल्पना कर रही हूं कि देखिए 8 अगस्त 2020 से आज की तारीख यहां पर आते आते 2024 में कैसे बाजी पलटी है। आरजेडी के कार्यकर्ता उस दिन यहां जश्न मना रहे थे और आज का ये क्षण, ये लम्हा, ये पल जब वो देख रहे होंगे ये आज तक पर कि किसी भी वक्त राजभवन के लिए रवाना हो सकते हैं नीतीश कुमार इस्तीफा देने, तो ये पल उन पर कितना भारी पड़ रहा होगा, ये रात कितनी भारी पड़ रही होगी। गजब किया तेरे वादे पर एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया, ये कयामत से कम नहीं आरजेडी के लिए। लेकिन दिलचस्प बात तो यही है कि ये कयामत सब खुद ही चूज करते हैं, उन्हें पता रहता है कि उनके बात पर कितना एतबार करना है नहीं करना है, लेकिन करते हैं एतबार, तो फिर एतबार करते हैं, तो ये उसका एक एक जिसको कहा जा सकता है नेचुरल कंक्लूजन बन जाता है। शशि शशि अब बताइए, कुछ ही देर में वहां पर नीतीश कुमार पहुंचने वाले इस्तीफा देने के लिए। शशि बिल्कुल, अब जो पूरा पैसेज है उसको क्लियर करा लिया गया है, कोई मीडिया के लोग नहीं है, कोई दूसरे लोग नहीं है, केवल सिक्योरिटी के लोग हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं, इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि अब जो किसी भी क्षण की बात हम कर रहे थे, वो तमाम कैमरे सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री आवास के एग्जिट गेट, एंट्री गेट, जो भी एक इस साइड का इलाका है राजभवन का, वहां पे लगे हुए हैं। और नीतीश कुमार का मूवमेंट जैसे ही होता है सबसे पहले हम दिखाएंगे। नीतीश कुमार जाएंगे तो मकसद और फैसला जो है वो सिर्फ एक है कि वो इस्तीफा देंगे अंदर जा करके और फिर बाकी आगे की प्रक्रिया होगी। नीतीश कुमार ने एक इतिहास तो रचा है अंजना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे उनके सहयोगी पार्टनर आते हैं वो भी इतिहास रच रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, जो बिहार की सियासत के लिए बेहद दिलचस्प है।